नौ बाले भाईजान और 31 रन, नौ बाले 31 रन, कोई 350 की ये इंसान है, जिन है, सुपर ह्यूमन है, कहां से पकड़ के लाए इसको भाई? क्या एबट है, क्या एलएस है, क्या फुलाना है, क्या ढिमकाना है? He knows only one way of talking and let the fellow do the talking. इसका बल्ला जो है भाईजान वो लगता है ऐसे जैसे इसने पाँव में। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए इज्जत बचाना मुश्किल हो चुका है। तीन मैचेस रह रहे हैं भाई, तीन में से तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया को जीतने हैं, तभी जाके जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की इज्जत बचेगी। अदरवाइज लाओ ना पैट कमिंस के बचे बाहर, जो तू कहता है गाबा वाली हार का बदला लिया है, गाबा तेरे अंदर डंडा जा रहा है, अब फाइनल की हार का बदला इंडिया ले रहा है, पता कौन ले रहा है? उनके बच्चे बदला ले रहे हैं। फिर दो लगातार छक्के, तो रिंकू ने कहा बेटा आपने 24 बनाया है, मैं 25 लूंगा, तो फिर रिंकू सिंह की धुलाई, 19वां ओवर जो था वो 25 रन का आया रिजवान साहब, और जो आखिरी ओवर था वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह 215-20 रन का आया जी। अगर रिंकू की देखी जाए तो वो कमाल की है, पिछले मैच में और इस मैच में आप देखें तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर फायर पावर अभी भी वही वाला है जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ। अबे अलीगढ़ का है ये, एक ही काफी होता है अलीगढ़ का। हाँ अलीबाग का है, अलीबाग का, अलीगढ़ का एक ही काफी होता है, ये देख लो तुम सब भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ इंडिया ने 250 रन का हदफ था, मेरे जहन में तो 230 देखो गुस्से में लगा वो, मुझे ऐसा लगा है आज जो मुझे उसकी देखे बात ये कि वो बदतमीज बच्चा तो हो ही नहीं सकता ना, है सबको पता है उसने का गेंदबाज को इतना धुलाई किया है, रोने का जैसा हालत हो गया, मार मार के बल्ले का धागा निकाल दिया, ऐसा हुआ है भाई। क्या कड़क मैच था, मैच को आप पूरा रिपोर्ट देखो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया रिंकू सिंह और जसवाल को लेकर क्या रिएक्शन दे रहा है सब कुछ वीडियो में जानेंगे, खास करके रमेश राजा और सैयद अख्तर बहुत सारी कुछ बात बोला है रिंकू सिंह को लेकर, रिंकू सिंह का फ्यूचर को लेकर, तो आपको सुनना चाहिए, जो आपको सुन के एज ए इंडियन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगा। तो यहाँ पे देखो पहले बैट करते हुए इंडिया ने 235 रन का लक्ष्य दिया, जहाँ पे पहले तो लग रहा था एक टाइम पे 200 रन हो पाएगा, वो भी बहुत मेहनत से, लेकिन द बॉस रिंकू सिंह फिनिशर आके इतना बल्लेबाजी किया है, इतना धुलाई किया है ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज को, दो ओवर में 45 रन लिया है और वहाँ पे 235 का लक्ष्य जो है टारगेट सेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और जो इतना बड़ा लक्ष्य था ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज करना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या किया, पहले बैटिंग करते हुए आया और वहाँ पे शुरू में दो विकेट गवा दिया और फिर उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया और लास्ट तक ऑस्ट्रेलिया ने खेल के सिर्फ 191 रन ही बना पाया और इंडिया ने इस मैच को 44 रन से जीत लिया है। तो इसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल बना हुआ है, रिंकू सिंह और जसवाल को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह और जसवाल जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इंडिया टीम में उनको चांस मिला है, चांस मिलते ही इंडिया ने ही पूरा वर्ल्ड को दिखाया वो क्या कर सकता है। तो चलिए भाई पाकिस्तान मीडिया वाले रिंकू सिंह को लेकर क्या बात बोले हम लोग सुनेंगे, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और रिंकू का एक और फिनिश देखें, अगर चेज होता है तो हम कहते हैं फिनिश, लेकिन पहली इनिंग में भी उसकी जिस तरह से इनिंग को उसने फिनिश किया है, यानी 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, कोई आदमी अपना तीसरा चौथा ही मैच खेल रहा है, तीसरी बारी या चौथी बारी होगी ज्यादा से ज्यादा उसकी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, बाद में बैटिंग आती है तो वो हमेशा टाइट आता है, आज पहले बैटिंग आई तो उसने और बर्बाद कर दिया। अभी विराट कोहली तो आया ही नहीं है, अभी रोहित शर्मा तो आया नहीं है, अभी वो जो है जसप्रीत बुमराह तो आया नहीं है, ये उनके बच्चे, ये उनके यंग टैलेंट, उनका यंग टैलेंट आईपीएल का टैलेंट बदला ले रहा है आपसे वर्ल्ड कप का, अभी तो अप्पू नहीं आया, वो जब आया तो अंदर डंडा भी देगा आपके, पता तो है ना फिर उसका 1500 है विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अभी उनके बच्चे आपकी डंडे डंडे कर रहे हैं बेटा, ये आईपीएल का टैलेंट है, ये कोई मेन इंडिया की 11 नहीं खेल रही, ये तो अभी वो आईपीएल का यंग टैलेंट रिंकू सिंह बेटा आपके अंदर चला गया हुआ है, रिंकू सिंह ने आपकी रात की नींदें हराम कर दी हुई है, वो जसवाल आपको सोने नहीं देता रात को, क्या क्या करोगे अब? मैंने पहले बोला था ये ऑस्ट्रेलिया बेटा बड़ा बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। सत श्री अकाल नमस्कार, आखिरी 18 बॉलों में 52 रन आए हैं, 52 रन, मैंने ट्वीट किया 283 पे 18 बॉल टू लेफ्ट, मैंने कहा 230 आएगा, तो एज यूजुअल कुछ लोग परेशान हो जाते हैं 50 रन कैसे आएंगे 18 बॉलों में, मजाक, वो वाकई 50 नहीं 52 आ गए। तो रिजवान इसका नाम जो है ना, अभी अभी मुझे फोन आया सरफ एक्सेल वालों का, उन्होंने कहा हमने अपना नाम सरफ एक्सेल से रिंकू एक्सेल कर दिया, तो आज के बाद हमारे डिटर्जेंट का नाम है रिंकू एक्सेल सिंह। तो भाईजान तौबा तौबा, एक 24 बॉलों में 50,
1:29 और कीप इन माइंड ईशन किशन के 10 बालों में 11 इस तरह खेल रहा था, उसने 29 बालों में 50। गायकवाड़ जरा द सुस्ट ऑफ द लॉट 39 बॉल्स 50। लेकिन जब एक तरफ मेला सजा हुआ और रिजवान साहब छक्का 24 रन बनाए एबट के ओवर में, जायसवाल ने पहले 3 लगातार चौके। सही बात मैं कह रहा हूँ, 235 आज इंडिया ने मार दिया उड़ीकू सिंह उफ तपाई, क्या ये प्लेयर है लड़का, इतना खतरनाक प्लेयर मैं देख रहा हूँ। उसने जो 25 मारे पिछले ओवर के अंदर, सेकंड लास्ट ओवर के अंदर रोल के रख दिया। रिकू सिंह की तबाही बल्लेबाजी, चाहे चेज हो चाहे जिसको कहते हैं आपका, जिसको कहते हैं पहली इनिंग्स की आखिरी ओवर हो, रिकू नहीं छोड़ता। कितना इन्होंने मारा, आप ये सोचें कि एक टाइम ऐसा ऐसा कि लग रहा था कि इंडिया इतने ज्यादा रन नहीं मार सकती, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स के अंदर इंडिया ने कितना बुरा मारा, इतना बुरा फेंटा लगाया, इस हद तक इन्होंने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है। रिकू सिंह तबाही का दूसरा नाम रिकू सिंह भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं इसको वर्ल्ड कप में लाजमी लेके जाना, ये क्या बला बन चुका हुआ, इससे खतरनाक प्लेयर मैंने ऐसा फिनिशर नहीं देखा। इंतहाई गुड फिनिशर है ये, इंतहाई सुपर किस्म का फिनिशर है, दिल खुश हो गया इसको देख के। तबाही बल्लेबाजी ये कर रहा है, और इसने जो मारा इसका, अब मैं इतना बता सकता हूं वो आईपीएल था उसमें उसने 29 चेस करवाया था, अगर कोई इंटरनेशनल मैच भी हो और इसको पता हो कि इसने 20 चेस करना है तो रिकू सिंह कर सकता है। ऐसा लगता है उछलता और हाथ से नहीं पांव से जाके एक बॉल को ग्राउंड के बाहर फेंक आता है। तोबा। रिजवान साहब, इट वॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इस तरह आप कभी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, मैक्सवेल कह रहे हैं कि उतने तो 50 ओवर में किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले संडे को, उतने 20 ओवर में हो गए हैं आज। नहीं, वो एक्चुअली देखे इन्होंने बड़ा सख्त पंगा ले लिया, अब इनका सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम घंटा बजेगा। रिकी पॉन्टिंग के बच्चे बाहर आ जाओ, तू पहले T20 में बकवास कर रहा था बैठ के कि वो जी वो तुक्का लग गया, प्लेयर थके हुए थे तो हम जीत नहीं पाए, दूसरे T20 मैच में हम जीत जाएंगे। मेरा छनकना, आप जीतोगे, कहाँ जीते हो आप लोग, आप तो बढ़ गए हो। किधर गया वो मैक्सवेल, एक छक्का मारने के बाद ठुस हो गया। बेटा इस पिच पे 235 बन भी सकते थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ही तो है ना, जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो नहीं ना कि ठुलड़, ये 400 भी बनवा दे, ये 300 भी बनवा दे, ये एल भी लगवा दे, ये छनकना भी भिजवा दे, ये घंटा भी भिजवा दे, ये इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है। आओ ना, मैक्सवेल क्यों नहीं बनाया तूने, कर ना और घंटे के बच्चे कर, ये बाबर आजम की टीम है। मैथ्यू वेड बेटा, सहीन अफरीदी तुझे नहीं मिलेगा इधर। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा रिंकू सिंह को लेके पाकिस्तान मीडिया का अंदर कितना ज्यादा हाइक बना हुआ है, खास करके कल का मैच देख के पाकिस्तान मीडिया वाले पूरा शॉक हो गया, कैसा एक नया बल्लेबाज आके पाकिस्तान गेंदबाज को इतना ज्यादा धुलाई किया है, वो भी 350 स्ट्राइक रेट में सिर्फ 9 बॉलों पे 31 रन बना दिया। और इसको लेके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल बना हुआ है, पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं रिंकू सिंह को लेके। उन्होंने ये तो बोल दिया है कि रिंकू सिंह का अंदर महेंद्र सिंह धोनी MHD जैसा फिनिशिंग टास्क देखने को मिलता है, आगे जाके टीम इंडिया के लिए बेस्ट फिनिशर बन सकता है। उन लोगों ने और भी कहा है, अभी के टाइम पे रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए जैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जैसा हर एक मैच को फिनिश कर रहा है, टीम इंडिया के पास अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा फिनिशर नहीं है, तो टीम इंडिया को ये सोचना चाहिए और आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है वहाँ पे रिंकू सिंह को मास्ट रखना चाहिए, वो ये इंडिया के लिए अच्छा होगा। तो भाई एज ए इंडियन आपका यहाँ पे क्या राय है? तो मेरा जो राय है, यहाँ पे रिंकू सिंह को जरूर रखना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है और इतना अच्छे से मैच को फिनिश कर रहा है। फिनिशिंग अच्छा होगा तो आप हर एक मैच को जीत पाओगे, फिनिशिंग से आप मैच को जीत पाओगे, फिनिशिंग से आप मैच को पलट भी सकते हो, तो यहाँ पे रिंकू सिंह का होना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताओ, आपको रिंकू सिंह का अंदर क्या महेंद्र सिंह धोनी वाला फिनिशिंग टच दिखता है या सुरेश रैना वाला फिनिशिंग टच दिखता है, वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला था मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसा फिनिशर बनना चाहता हूँ, और महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है और इतना मेहनत करने के बाद यहां तक आया है और आगे उनके लिए बहुत बड़े लाइफ है, उनके लिए बहुत सारा कुछ करने का है। तो भाई यहां पे एज ए इंडियन रिंकू सिंह को लेकर आपका क्या राय है जरूर कमेंट करके बताना, और पाकिस्तान मीडिया रिलेटेड वीडियो पाने के लिए ऐसे हमारा चैनल को देखते रहो, वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान मीडिया रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा जिसको देख के आप बहुत ज्यादा खुशी होगा। तो भाई चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, जय हिंद गाइस।